चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, गिव साइंटिफिक रीजन। क्या है पहली चीज? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। देखो क्या है, ये मार्कर है, यहां से गिर रहा है, क्या हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड, क्या लिखा है? ऑन द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, उसके एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी। एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ये जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है यहां से यहां पे, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, का इधर ही आए ना कुछ कुछ तो भी पावर है ना, उसके वजह से नीचे गिर रहा है। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होती है वैल्यू? 9.8। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर एक्ट कर रही है ना, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन में गिर रही है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे गिरी तो इधर उधर जा रही है, ऐसे सीधी गिर रही है नीचे, है ना? सो इन अ स्ट्रेट लाइन वेयर वेलोसिटी चेंजेस बाय यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से। Hence, when object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. क्योंकि इसकी velocity change क्यों हो रही है? Velocity changes by uniform rate. मंजे का है जब गिर रही है, uniform, constant है उसकी velocity. इसीलिए क्या होगा? Acceleration भी uniform. इधर का speed uniform आए, constant आए, इधर acceleration पर uniform रहे. इवन दो द मैग्नीट्यूड, सेकेंड क्वेश्चन देखो, बी क्या है क्वेश्चन? इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। देखो मैग्नीट्यूड मतलब क्या क्वांटिटी? एक ट्रक है, दो ट्रक है, ये ट्रक दोनों आके टकरा रहे हैं, जब टकरा रहे हैं जो एक्शन है इनका, और टकराने के बाद जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है रिएक्शन में, है ना? एक्शन होने के बाद दोनों ऐसे तो नहीं उधर जाता है, दोनों इधर आएंगे, है ना? अभी उसका कहना है क्वेश्चन का कि ये जो एक्शन है, दोनों का एक्शन है, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? व्हेन दो द मैग्नीट्यूड, देखो अब क्या आंसर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसीलिए ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है दोनों, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये इसको ही टकरा रहा है क्या? नहीं, ये किसको टकरा रहा है? इसको, ये कुणाल धड़क मारे रहे याला या ट्रक ला, है ना? ये सोतला ट्रक मार ले तो कैंसिल हो जाए, पर नहीं, समझ लो। नेक्स्ट थिंग, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, हेंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर्स एक्शन, है ना? ये दोनों एक्शन अलग अलग है चीज है, इसलिए एक्शन फोर्स नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कैंसिल नहीं होगा, हेंस दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। Even though they have equal magnitude, अगर दोनों का quantity, force, speed एक ही रही, फिर भी नहीं होगा, and the opposite direction, जब टकराएंगे क्या होगा? अलग हो जाएंगे, opposite direction में जाएंगे, टकराएंगे तो opposite direction में जाएंगे। तीसरा question देखो, it is easier to stop a tennis ball, देखो see, it is easier to stop tennis ball as compared to cricket ball when both are traveling with same velocity. क्वेश्चन का यही कहना है कि एक टेनिस का बॉल है, टेनिस का बॉल हल्का होता है ना, क्रिकेट का बॉल वो थोड़ा हेवी होता है ना, वेट से ज़्यादा होता है, जास्ता हंसते ना वेट, देखना टेनिस का बॉल वो हल्का होता है, लेकिन क्रिकेट का बॉल ये भारी होता है, ये क्या होता है? भारी होता है। लेकिन उसका ये कहना है कि दोनों एक ही स्पीड से फेंके मेरे तरफ, तो टेनिस का बॉल ईजी जाएगा रोकने के लिए, और इसका क्रिकेट का बॉल हार्ड जाएगा रोकने के लिए। एग्जाम्पल बता दूँ, कोई पतला सा लड़का है तुम्हारी तरफ आ रहा है भागते हुए, उसको रोकना इजी होगा, लेकिन कोई मोटा सा लड़का है तो आगे तो रोकना हार्ड होगा। देखो मोमेंटम क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या बताया मैंने तुमको, अभी देखो आंसर में क्या देना है। साइंटिफिक रीजन, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी, सुना होगा। मोमेंटम म्हणजे काय रे? मोमेंटम म्हणजे अशा वस्तूला, त्या वस्तूला काहीतरी वजन आहे आणि काहीतरी स्पीड आहे ना, काहीतरी स्पीड आहे। तुम्हाला म्हटलं मी तो रबरचा छोटा बॉल, रबरचा छोटा बॉल जर का फेका,
कशी स्पीड राहील त्याची, त्याच्या वजनानुसारच राहील. तुम्हाला म्हटलं एवढा मोठा 1 किलोचा दगड घेऊन फेका, कसा लागेल तो जोर आहे ना, तो रबरचा बॉल थाळवणं आराम इझी आहे, पण तो जो मोठा दगड आहे 1 किलोचा तो थाळवणे खूप हार्ड आहे. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, त्या वजन आणि त्याच्या वेलॉसिटीवर डिपेंड आहे. मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर देन द मास ऑफ टेनिस बॉल. टेनिस बॉल का मास मतलब वेट उसका उसका ज्यादा, उसका टेनिस बॉल का कम है और क्रिकेट बॉल का ज्यादा है. ड्यू टू विच उसके ही वजह से, त्याच्यामुळे. ड्यू टू विच व्हेन दे मूव विथ सेम वेलोसिटी, जब वो दोनों एक ही स्पीड से आ रहे होंगे, द मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर. मोमेंटम मतलब उसकी जो क्रिकेट बॉल की है जो वजन नहीं होता है तो जास्त स्पीड नहीं है, मोर देन द मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल च स्पीड जास्त रही टेनिस बॉल पेक्षा, हेन्स इट इज इजियर टू स्टॉप टेनिस बॉल, म्हणून टेनिस बॉलला थांबवणं अडवणं इझी आहे दॅन अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल पेक्षा मूव्हिंग विथ अ सेम वेलॉसिटी. समजलं? नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, डी. डी काय द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बघा मी तर फक्त क्वेश्चनचा हे लिहिलेलं आहे डी, है ना, ते तुम्हाला समजून जाईल काय आहे. डी बघा, वेन द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऍट रेस्ट इज कन्सिडर्ड टू बी युनिफॉर्म. आता बघा हा मार्कर आहे, इथं ठेवला रेस्टमध्ये आहे, म्हणजे काय रे याची स्पीड पण कशी आहे, झिरो आहे. याची स्पीड झिरोच राहील कॉन्स्टंट, म्हणजे काय युनिफॉर्म आहे, समजलं, हमेशाच झिरो राहील ना. बघा तेच दिलेलं आहे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टन्स, हे लक्ष देऊन ऐक जा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, अजून एक वेळा, इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी इन मूविंग इन युनिफॉर्म स्पीड, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ युनिफॉर्म स्पीड. हा मार्ग ठेवलेला आहे, हे आता पण तेवढं राहील, 5 मिनिटं पण तेवढंच राहील, म्हणजे झिरो आहे, म्हणजे कॉन्स्टंटच आहे. इक्वल डिस्टन्स डिस्टन्स वगैरे तर काही नाही, जिथे तिथेच उभं राहील. टाइम इंटरवल 5 मिनिटानंतर पण 10 मिनिटानंतर पण तसंच तसं, त्याला काय म्हणू, युनिफॉर्म स्पीड. ऑब्जेक्ट ऍट रेस्ट हॅज झिरो स्पीड, जर का हे ऑब्जेक्ट आहे हे रेस्टमध्ये आहे, याची स्पीड किती राहील, झिरो. हेन्स द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऍट रेस्ट, हेन्स त्याची स्पीड पण, जेव्हा ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये त्याची स्पीड पण काय राहील रे, झिरोच राहील, याचा अर्थ काय आहे, युनिफॉर्मच राहील. युनिफॉर्म म्हणजे काय रे, कॉन्स्टंटच, समजलं. हे होतं तुमचं गिव्ह सायंटिफिक रिझन्स. क्वेश्चन नंबर 5 बघा, सी द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6. टेक 5 एग्जाम्पल फ्रॉम युअर सराउंडिंग, असे 5 एग्जाम्पल, ऐसे 5 एग्जाम्पल लेने हैं जो एक्सप्लेन करे, क्या एक्सप्लेन करे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉ है मोशन के, पहला ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, दूसरा पी इज इक्वल टू एम वी, और तीसरा एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अभी समझो, इजी इजी एग्जाम्पल डाले हैं, देखो पहला क्या है, किकिंग अ वॉल बाय फुट, किकिंग अ वॉल बाय फुट. अब सोचो ये मेरा पैर है, मैंने इस दीवार को मारा जोर से, है ना, ये लात मैंने जोर से दीवार को मारी, क्या होगा रे, क्या होगा. वाइल किकिंग एक्शन, वाइल किकिंग जब मैं किक मारूंगा, एक्शन इज अप्लाइड बाय पर्सन, मैंने ये एक्शन लगा दी इस पे, अब कुछ रिएक्शन आएगा इस वॉल का, एंड रिएक्शन इज अप्लाइड बाय वॉल, कुछ तो भी रिएक्शन दिया ना उसने, मेरे को लग गया जोर से, है ना, मतलब लागलन जोर है जब मैंने इसको मारा, तो एक्शन वॉल का रिएक्शन आया, मेरे को लग गया जोर से. बोथ एक्शन एंड रिएक्शन इन अपोजिट डिरेक्शन, है ना, जब मैंने मारा मेरा हाथ वापस आ गया ऐसा जोर से लगा तो. न्यूटन 3rd law, एवरी एक्शन फोर्स हैव अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, वाइल स्विमिंग पर्सन पुशेस वाटर डाउन साइड, जब वो आदमी तैरता है ना, जब वो तो पोहायला जाते काय होते, तो पानी खाली लोटते आणि तो वर येते, खाली लोटते तो वर येते, काहीतरी एक्शन करता है पानी, काहीतरी रिएक्शन देता है. वाइल स्विमिंग अ पर्सन पुशेस वॉटर डाउन साइड एंड वॉटर पुशेस पर्सन अपवर्ड,
वो पानी नीचे ढकल रहा है, पानी उसको ऊपर ढकल रही है। न्यूटन थर्ड लॉ, काय म्हणते थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्थ फोर्थ एग्जांपल क्या है, हिटिंग अ बॉल विथ बैट, बॉल है ये, बैट है, मैं जब मारूंगा ये कुछ तो भी एक्शन है, कुछ एक्शन है, ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। हिटिंग अ बॉल विथ बैट, बॉल शोज एक्शन एंड बैट शोज रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्थ एग्जाम्पल, एक्सीडेंट ऑफ टू ट्रक्स, जेवा दोन ट्रक, मला सांगा जेवा दोन ट्रक एक्सीडेंट होईल काय होईल रे, एक्सीडेंट झाला, एक्सीडेंट ऑफ टू ट्रक्स डॅमेज डिपेंड, मला सांगा या दोघांचा डॅमेज कशावर डिपेंड राहील, यांचं जास्त डॅमेज कुठलं होईल, या ट्रक आणि या ट्रकचं वजन जेव्हा धडकेल काय नाही का डॅमेज होईल, ते सांगितलं आहे। ऍक्सिडेंट ऑफ ट्रक डॅमेज डिपेंड ऑन मोमेंटम, मोमेंटम म्हणजे काय रे, पी, पी म्हणजे मोमेंटम, एम म्हणजे मास आणि त्याची व्हेलॉसिटी, मास त्या ट्रकांचं वजन आणि त्यांची स्पीड त्याच्यावर त्यांचं डॅमेज डिपेंड राहील। फिफ्थ एक्झाम्पल काय आहे, हिटिंग मार्बल, काचांडे खेळतो आपण, मार्बल कंचे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, क्या होता है उससे, वो एक कंचा दूसरे को मारता है। हिटिंग मार्बल एक्सर्ट्स, एक्सर्ट म्हणजे काय, काहीतरी फोर्स टाकत आहे तो, एक्सर्ट प्रेशर ऑन अनदर मार्बल, जेव्हा तुम्ही मारचाल या काचांडेला जेव्हा मारचाल ऐसे मारोगे उस कंचे को, क्या होगा, इसका मास, इसका जितना वजन है इतने ही जोर से लगेगा इसको। फोर्स ऑन अनदर मार्बल डिपेंड ऑन मोमेंटम ऑफ मार्बल, इसके मार्बल पे ही डिपेंड रहेगा, है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, पी इज इक्वल टू एम वी। एग्जाम्पल सिक्स, लिफ्टिंग वेट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, बॉडी बिल्डर देखे होंगे, वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, क्या होता होगा, लिफ्ट वेट करते हैं तो वो जो लिफ्ट वेट जितना करते हैं ना उतनी ही ताकत होनी चाहिए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। लिफ्टिंग वेट डिपेंड ऑन मोमेंटम ऑफ वेट, न्यूटन का दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी। एग्जाम्पल सेवन, पांच ही पूछे मैंने एक्स्ट्रा दिए, जो याद रहा वो लिखो। शेकिंग अ ट्री, जर का तुम्हारा फल खाए कुछ तो भी फ्रूट खाना है, तुम जाके पेड़ को हिलाते हो ऐसे, क्या होता है उससे, नीचे गिर जाता है वो फल, तो वही है, शेकिंग अ ट्री फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ट्री विल बी एट रेस्ट, ट्री क्या रहेगी, पेड़ तो वैसे का वैसे ही रहेगा रेस्ट पोजिशन में, अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक तुम जाके उसको जोर से शेक नहीं करते, न्यूटन का पहला लॉ, एंड बॉडी विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एग्जाम्पल एट देख लो, किकिंग अ फुटबॉल, क्या है, किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग अ फुटबॉल, ये फुटबॉल है, ये तुम्हारा पैर, जब तक किक नहीं करोगे वो फुटबॉल ऐसे जाएगा क्या, है ना, जैसे किक करोगे तभी आगे जाएगा फुटबॉल, वैसे तो नहीं। किकिंग अ फुटबॉल इट विल बी एट रेस्ट, ये फुटबॉल रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, अंटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना, जब तक किक नहीं मारोगे तो वो रेस्ट में रहेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, न्यूटन का पहला लॉ। जो जो याद रहे लिख दो, पांच बोले हैं मैंने आठ दिए, ठीक है।